देखो, पहले मैं प्यार से समझाता हूँ, उसके बाद हथियार उठाता हूँ। अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर हालत खराब। वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर करना ना भूलो। आज आर्टिकल का दिन है, ध्यान से पढ़ो। माई कार स्ट्रक स्पेस ट्री वन कैन स्टील सी स्पेस मार्क ऑन स्पेस ट्री। जहाँ जहाँ पे स्पेस दिया है, डैश है, वहाँ पर हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। और आर्टिकल में आप देखोगे कि एक ही सेंटेंस में तीन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल तो फिलहाल देखा जाए तो एक ही होते हैं ना, लेकिन आर्टिकल के जो काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, दो होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। और जो डेफिनिट होता है वो द होता है, इनडेफिनिट जो होता है ए एन होता है। तो ए एन द, इन तीनों पार्टिकल का प्रयोग करना है। पार्टिकल मैंने बोला है, आर्टिकल नहीं है ना, तो आर्टिकल में तीनों आते हैं तो पार्टिकल्स का प्रयोग करना है। पार्टिकल जो होता है ना, उसमें प्रीपोजिशन और आर्टिकल को मिला करके जो भी यूज किए जाते हैं उसे पार्टिकल कहा जाता है। फिलहाल हमको यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, सुइटेबल होगा। एन ऑफिसर पिक्ड अप पिस्टल, डॉट करके पिस्टल, बाय द हैंड्स। और इसमें है एन ऑफिसर पैटेड मी ऑन स्पेस हेड। अब यहाँ जो है तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, सुइटेबल आप चूज कर सकते हैं। वीडियो को पास करें और पास करके आप चाहे तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सॉरी एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर चेक करें। फिर देखिए, माय कार स्ट्रक, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखोगे ट्री फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, तो ट्री के पहले ए लगना चाहिए, है ना। अब इसमें देखो ए लगना चाहिए, कन्फर्म है 100% ए लगना चाहिए। तो यहाँ पर द है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर द है, यहाँ पर द है। अगर देखा जाए तो एक ही बार में एक ही ऑप्शन से करेक्ट हो गया हमारा बी, बी सही हो गया। तो फिर देखते हैं मार्क, मार्क के पहले, मार्क भी पहली बार आ रहा है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सॉरी ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ए का प्रयोग किया जाता है जो काउंटेबल थिंग होते हैं, काउंटेबल के लिए ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। ए मतलब एक होता है और एन मतलब भी एक ही होता है। और जो ए है और एन है, ये दोनों जो है शॉर्ट फॉर्म है, वीक फॉर्म है वन के। वन मीन्स एक होता है, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। तो बात ये है कि कहाँ पर लगाया जाए वन, कहाँ पर लगाया जाए ए और कहाँ पर लगाया जाए एन। तो जहाँ पर वन लगता है वहीं पर आप ए अथवा एन लगाते हैं, वीक फॉर्म है, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो ए और एन का प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं जो हिंदी के जो वॉवेल्स आते हैं उनके पहले ए का प्रयोग, एन का प्रयोग किया जाएगा। और जो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से कॉन्सोनेंट आते हैं उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसे जानो, अगर हमको कहना है एक हाथी तो एन एलिफेंट लिखेंगे, अगर हमको कहना है एक, मतलब एक उल्लू तो हम कहेंगे एन आउल, आउल। अगर हम कहेंगे एक ईमानदार तो एन ऑनेस्ट कहेंगे, यानी कि अ से, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ से जो शुरू होगा प्रोनाउंसिएशन, उसके साथ एन का प्रयोग और बाकी के साथ ए का प्रयोग। जैसे यूनिवर्सिटी अगर दिया है, जैसे मान के चलो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले आप ए का प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है ना यू आ रहा है, य आ रहा है, और यह जो है हिंदी का कॉन्सोनेंट वोवेल्स नहीं है। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ थोड़ा सा हम प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग तो क्लियर होता है, द के प्रयोग में दिक्कत होता है। देखो मैंने ये कहा कि यहाँ द का प्रयोग होगा, सॉरी ए का प्रयोग होगा। क्यों ए का प्रयोग होगा? क्योंकि जब कोई भी कॉमन नाउन पहली बार किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो ए का प्रयोग होता है, फिर उसी का अगर रिपीटेशन होगा तो द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग आएंगे, अभी सारा समझेंगे कि द के प्रयोग में ही दिक्कत है, बाकी ए एन के प्रयोग में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पेड़ जो है पहली बार यूज हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। वन कैन स्टील, यानी कि मेरी कार ने एक पेड़ से टक्कर मार दिया,
मेरी कार ने एक पेड़ से टक्कर मार दिया, वन कैन स्टील, और कोई भी अभी भी, कोई अभी भी सी देख सकता है मार्क, यानी कि मार्क। अब यहाँ मार्क आप कहोगे कि पहली बार आया है तो आप ए का प्रयोग कीजिए, नहीं, ये द का प्रयोग होगा। कारण क्यों, ये किस मार्क की बात कर रहा है, उस मार्क की बात कर रहा है कि जो कार के द्वारा चोट लगने पर पेड़ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कोई मैं मार्क देखा होता, सपोज दैट अगर आप जा रहे हैं और आपने अचानक पेड़ में एक मार्क देखा, तो उस मार्क को जो आपने देखा वो पहली बार देखा, स्पेशल नहीं है, तो आप ए मार्क लगाते। लेकिन आप वह मार्क देख रहे हैं जो आपकी कार के द्वारा मारा गया, यानी कि वो स्पेशल मार्क है, आप ही की कार के द्वारा आपके सामने मारा गया, यानी कि वो स्पेशल मार्क है। उस मार्क का कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते, मार्क तो बहुत हैं, लेकिन आप उस मार्क की बात कर रहे हैं जो आपकी कार के द्वारा आपके सामने मारा गया है, तो फिर वो मार्क क्या हो गया, स्पेशल हो गया। तो जब स्पेशल होता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। अगर पहली बार आप जाते और कहीं एक मार्क देखते तो आप ए मार्क कर सकते थे। मेरी बात समझ में आया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ द ट्री का हम द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पहली बार जो आपकी कार ने मारा टक्कर, तो एक अनजान पेड़ से मारा, और फिर जो मार्क बना तो एक मार्क बना, मतलब स्पेशल मार्क बना, स्पेशल मार्क बना जो आपकी कार ने बनाया, और फिर जो है किस पर बनाया, जिस पेड़ पर टक्कर मारा उसी पेड़ की बात हो रही है, तो द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि दोबारा जब प्रयोग किया जाएगा तो फिर द का प्रयोग किया जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे एक काऊ इज फेथफुल एनिमल, या ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता जो होता है फेथफुल एनिमल होता है, यानी कि विश्वासपात्र जानवर होता है। और फिर जब हम अगर डॉग का प्रयोग करेंगे तो या तो हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करें, या तो फिर अगर कहीं ज़रूरत पड़ा तो द डॉग की बात करेंगे, द डॉग, यानी कि ये डॉग तो हो गया, फिर दोबारा जब प्रयोग करेंगे तो द डॉग का प्रयोग करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बी क्लियर है। एन ऑफिसर पिकड अप, अब देखो एन ऑफिसर जो है पिकड अप किया, उठाया, क्या उठाया, पिस्टल, ये भी कॉमन नाउन है, बाय द हैंड्स, यानी कि हाथ से उठाया। तो जब हाथ से उठाया पिस्टल, तो वही पिस्टल उठाया कि एक पिस्टल उठाया, तो आप कहोगे नहीं एक पिस्टल उठाया, क्योंकि वही पिस्टल नहीं, पिस्टल की कहीं चर्चा हुई है क्या इसके पहले, नहीं हुई है, तो हम फिर यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, ए पिस्टल, है ना, एन ऑफिसर पिकड अप ए पिस्टल, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, एन ऑफिसर पैटेड मी, एक ऑफिसर पैटेड मी, पैट मीन्स होता है थपथपाना, तो एक ऑफिसर ने मुझे थपथपाया। देखो ऑफिसर कॉमन नाउन है, तो यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, एन ऑफिसर पैटेड मी, थपथपाया, आन आन, अब कहोगे हेड, हेड जो सर आया है ये भी कॉमन नाउन ही है ना, अगर कॉमन नाउन है तो फिर यहाँ ए का प्रयोग होना चाहिए या द का प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए या एन का प्रयोग होना चाहिए। दरअसल ए एन का प्रयोग, एक चीज़ और ध्यान दो, काउंटेबल के लिए होता है, और सर यहाँ एक सर की बात नहीं हो रही है, वो मेरे सर की बात हो रही है, तो मेरा सर कितना है, चार पाँच तो होता नहीं, एक ही होता है, तो 100% ए एन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सर एक ही होता है, तो ए एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द का प्रयोग होगा। अब द का प्रयोग होने का मतलब क्या, आप कहोगे पहली बार तो आया है हेड, तो आप द का प्रयोग क्यों कर रहे हो। दरअसल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हेड गिना नहीं जाएगा, मेरा सर है तो एक ही सर है, ये दुनिया जानती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब गिनने की अवस्था में हो तब ए एन का प्रयोग होगा। दूसरी बात ये है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके साथ द का ही प्रयोग किया जाता है, बॉडी पार्ट्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अब बॉडी पार्ट्स में थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जैसे ऑन फुट, ऑन फुट मतलब होता है पैदल, ऑन फुट मीन्स पैदल, इन हैंड, इन हैंड, इन हैंड मतलब हाथ में, तो ये फ्रेजल वर्ब है, सर ये फ्रेजल हैं
जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज का थोड़ा सा अलग रूट होता है, वो अलग तरह से अर्थ निकालते हैं, उनका स्पेशल अर्थ होता है। तो ये तो क्लियर है, ये हो जाएगा, ऑन फुट होगा यानी कि पैदल, इन हैंड होगा यानी कि हाथ में। लेकिन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके पहले द का ही प्रयोग होता है, जैसे द हैंड, द हैंड, द लेग, द लेग। लेकिन इनके साथ द का प्रयोग कम नहीं किया जाता है, खास करके जब इनके पहले पोजीशन का सेंस रहे। पोजीशन का सेंस का मतलब ऐसे समझो, जैसे मैंने राम का हाथ, जला हुआ राम का हाथ देखा, यानी कि ऐसा ऐसा राम्स हैंड, राम्स हैंड बर्न्ड, बर्न्ड, यानी कि मैंने राम का हाथ जला हुआ देखा। कहने का मतलब ये है कि जो हैंड है ये बॉडी पार्ट है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। कब द का प्रयोग नहीं होगा? जब वहाँ पोजीशन का सेंस रहेगा, जैसे इट इज माई चेस्ट। देखो यहाँ पोजीशन का सेंस आ गया, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर काउंटेबल के सेंस में हो तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे अगर आप कहो कि सनी देवल्स, सनी देवल्स हैंड, सनी देवल्स हैंड, सनी देवल्स हैंड, ये हो गया, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को कह दें ए हैंड, ए हैंड ऑफ सनी देओल, सनी देओल, सनी देओल इज इक्वल, इज इक्वल टू 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 एंड ए हाफ केजी, केजी। यहाँ देखो, यानी कि सनी देओल का एक हाथ, एक हाथ, जब आप गिनोगे एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, तब तो आप ए एन का प्रयोग कर सकते हो, टू थ्री फोर का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब काउंटेबल के रूप में नहीं यूज करोगे तो यहाँ आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन द का प्रयोग वहाँ नहीं कर सकते जब पोजीशन का अधिकार हो, जैसे सनी देओल का हाथ, मेरा सीना है ना, मेरा चेस्ट, राम का हाथ या उसका सर, हीज हेड, हीज हेड, हीज हेड, उसका सर। तो यहाँ आप द का प्रयोग बीच में नहीं करोगे, लेकिन जब अकेले बॉडी पार्ट रहेगा तो आप द का प्रयोग करोगे। और दूसरी बात यह है कि अगर गिनना हो, जैसे मैंने दो सर देखा, ये वाला है ना, दो सर देखा, तो आप टू हेड तो कर ही सकते हो भाई। जब गिनने वाली बात आएगी तो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चाहे थाउजेंड का प्रयोग करो, मिलियंस का प्रयोग करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सर आप देख रहे हो तो ये हैंड का प्रयोग करो, सॉरी ये हेड का प्रयोग करो, या जितना भी देख रहे हो आप उसका प्रयोग करो। लेकिन सिंपल सेंस में अगर देखा जाए तो जो बॉडी पार्ट होंगे उनके साथ द का ही प्रयोग होगा। किस पोजीशन में नहीं होगा? जब वहाँ काउंटेबल हो, एक दो तीन आ जाए, तो द का प्रयोग नहीं करोगे आप, वन टू थ्री या ए एन का प्रयोग करोगे। और जब पोजीशन का सेंस आ जाएगा तो आप पोजीशन वाले वर्ड्स का यूज करोगे, ना कि द का यूज करोगे। बात क्लियर हो गई? तो बॉडी पार्ट के पहले द का ही प्रयोग होता है, लेकिन जब पोजीशन रहेगा तो ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर काउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है तो ए एन का प्रयोग या टू थ्री फोर का भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स अराइव्ड होम एट नाइट, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश होम नाइट। तो यहाँ एन का प्रयोग, सॉरी नन का प्रयोग होगा। बिग एंड डीप पॉन्ड वॉज ओनली होम वेयर द फ्रॉग लिव्ड। यहाँ पर ए बिग ए का प्रयोग होगा, यानी कि, और फिर जो है ओनली होम, यहाँ द का प्रयोग होगा। तो ये ए ऑप्शन सही है। इफ़ एनी वन इंटरफियर्स विथ नेचर, नेचर, नेचर के पहले नन, नन का प्रयोग होगा, यानी कि कुछ प्रयोग नहीं होगा। ही विल सफर फॉर इट। अब देखो,
देखो ये तो जानना ज़रूरी है कि इसमें आर्टिकल्स क्या लगेगा, लेकिन एक चीज़ जान लो कि अगर आप अपने जीवन में टाइम वेस्टिंग कर रहे हो तो दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ है, तुम्हारा जीवन बर्बाद करके रख देगा। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में टाइम वेस्टिंग थोड़ा सा भी नहीं लेता हूँ, सीधे टू द पॉइंट की बात करता हूँ। तो सीधे टू द पॉइंट की बात करेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखो, होम के पहले कुछ भी प्रयोग नहीं होता है, ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। आप कहोगे होता है, ठीक है होता है, अब कब होता है कब नहीं होता है। देखो होम के पहले अगर कोई स्पेशल इफेक्ट है, स्पेशल इफेक्ट का मतलब जैसे कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब ब्यूटीफुल होम, तो ब्यूटीफुल होम अगर कहोगे, जैसे मैंने सा, आई सा अ ब्यूटीफुल होम, यानी कि मैंने एक सुंदर घर देखा, तो घर के लिए आप हाउस भी लगा सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा क्लियर करो, जो हाउस है और होम है दोनों सेम टू सेम है। हाउस मीन्स भी घर होता है, होम मीन्स भी घर होता है, लेकिन हाउस का मतलब बना बनाया घर होता है और होम का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि घर बना हुआ हो, या घर के आसपास की सारी चीज़ों को भी होम कहा जाता है। यानी कि हाउस का मतलब बना बनाया घर, होम का मतलब बना बनाया घर भी हो सकता है और घर के आसपास की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, और होम बिना बना बनाया भी हो सकता है। जैसे हाउस इंसानों का होता है लेकिन लायन का हाउस नहीं होता है, लायन का होम होता है, क्योंकि वो घर नहीं बनाते हैं, जहाँ रहते हैं वही होम होता है। अब मेरी बात ऐसे समझो, होम का प्रयोग हाउस की तरह किया जा सकता है, यानी कि एज ए नाउन के रूप में किया जा सकता है। तो जब आप नाउन के रूप में करेंगे तो ए एन द का प्रयोग कर पाएंगे, और अगर एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। अब आप कहोगे कि कैसे हम जानेंगे कि नाउन का प्रयोग है कि एडवर्ब का प्रयोग है, तो अब ध्यान से सुनो, अगर नाउन का प्रयोग रहेगा तो आप जरूर उसके पहले एक लगाओगे, चाहे दो लगाओगे, चाहे सुंदर लगाओगे, चाहे बढ़िया लगाओगे, चाहे बिग लगाओगे, चाहे स्मॉल लगाओगे, कुछ ना कुछ आप स्पेशल इफेक्ट डालोगे उसके पहले। तो समझ जाना अगर स्पेशल इफेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि होम के पहले ब्यूटीफुल लगा हुआ है, बिग लगा हुआ है, स्मॉल लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है, ब्लैक लगा हुआ है, अगली लगा हुआ है, तो यहाँ पर 100% ए एन अथवा द का प्रयोग होगा। अगर कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल नहीं लगा है, एडजेक्टिव नहीं लगा है, तो फिर यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, यदि होम के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, कोई स्पेशल इफेक्ट लगा हुआ है, तो उसके पहले ए एन द का प्रयोग आप करोगे। अगर होम के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है, स्पेशल इफेक्ट आप नहीं डाल रहे हो या नहीं लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा और इसके साथ ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, नन का प्रयोग होगा यहाँ पर, नन यानी कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है बिग एंड डीप पॉन्ड, गहरा और बड़ा सा तालाब वाज था, यानी कि बिग एंड डीप पॉन्ड। अब यहाँ पर सोचो आपकी डीप एंड बिग एंड डीप पॉन्ड यानी कि बड़ा और गहरा तालाब, तो एक बड़ा गहरा तालाब रहेगा कि वह बड़ा और गहरा तालाब रहेगा, तो आप कहोगे कि चूंकि जो तालाब है ये पहली बार आ रहा है तो 100% ए का प्रयोग होगा। तो ये बिग एंड डीप पॉन्ड, एक बड़ा और गहरा तालाब था, ओनली होम एकमात्र निवास था। अब एकमात्र में अगर मान लो हम यहाँ ए करें तो ओनली माने एकमात्र लगा हुआ है। अब फिर अगर एक लिखोगे तो एक एकमात्र हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। और आपको पहले भी बताया गया है कि अगर होम के पहले स्पेशल इफेक्ट होता है, एडजेक्टिव होता है, स्पेशल थिंग होता है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ देखो, बिग एंड डीप पॉन्ड जो पॉन्ड था वो पहली बार यूज हुआ है तो ए का प्रयोग,
पहली बार यूज हो रहा है, दूसरी बार यूज होता तो हम द का प्रयोग कर देते, पहली बार यूज हो रहा तो ए का प्रयोग। और होम के पहले मैंने बताया स्पेशल इफेक्ट हो तो आप द का प्रयोग करोगे या ए का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो एक पहले से ही है तो फिर आप ए का प्रयोग कैसे करोगे। तो हम कहेंगे कि वह गहरा और बड़ा सा तालाब एकमात्र, वह एकमात्र घर था वेयर जहाँ द फ्रॉग, जहाँ पर मेढक लिव्ड रहते थे। द फ्रॉग्स कर दे रहे हैं, द फ्रॉग्स लिव्ड इन, जहाँ पर मेढक रहते थे, जिसमें मेढक रहते थे। क्लियर, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सिक्स देखो, इफ एनी वन इंटरफियर्स, यदि कोई भी इंटरफियर्स करता है यानी कि हस्तक्षेप करता है विथ, किसके साथ, नेचर, प्रकृति के साथ। तो यहाँ नेचर के पहले ए एन द, ए एन द का प्रयोग करना है तो मैं तो कहूँगा कुछ भी ना करो। आप कहोगे कैसे, दरअसल प्रकृति को क्या आप कह रहे हो भाई, प्रकृति प्रकृति होती है, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति प्रकृति है, तो एक प्रकृति तो हो नहीं सकती भाई। एक प्रकृति यहाँ की, इंडिया की, एक प्रकृति पाकिस्तान की और एक प्रकृति अमेरिका की, तो प्रकृति तो अलग अलग होती नहीं है, तो ए का प्रयोग होगा नहीं। अच्छा, किस प्रकृति की बात कर रहे हो भाई, किस प्रकृति की बात कर रहे हो, यह प्रकृति की कि उस प्रकृति की, किस नेचर की बात कर रहे हो। तो भाई नेचर तो सब एक ही होता है, तो नेचर के पहले, साइंस के पहले, लव के पहले, पार्लियामेंट के पहले, फ्रीडम के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्पेशल इफेक्ट में नेचर के पहले, लव के पहले, पार्लियामेंट के पहले, साइंस के पहले भी प्रयोग हो सकता है। कैसे, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नेचर, साइंस, लव, डेथ, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, फ्रीडम, सोसाइटी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, एक और एन का भी प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। लेकिन हम लोग कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लो कोई किसी का प्यार जो है ना यूनिक हो, तो उस प्यार के पहले, उस लव के पहले द का प्रयोग आप कर सकते हो। मान लो किसी का स्वभाव, नेचर या कोई प्रकृति, खास करके कौन सी प्रकृति, जो स्पेशल प्रकृति हो, जैसे नेचर ऑफ कश्मीर है ना, नेचर ऑफ राहुल, लव ऑफ रोमियो जूलियट। तो अगर हमको करना है कि रोमियो जूलियट का प्रेम अमर है, यानी कि हम कहेंगे द लव, किस लव की बात हो रही है, खास करके द लव ऑफ, किसकी लव की बात हो रही है, सारे लव नहीं, सारे लव तो एक जैसे हैं भाई। देखो प्यार प्यार होता है, चाहे वो मम्मी से प्यार हो, चाहे पापा से प्यार हो, या दोस्त से प्रेम हो, या फिर पत्नी से प्रेम हो, प्रेम तो प्रेम होता है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि द लव ऑफ माई वाइफ, ऐसा कह सकते हो कि द लव ऑफ माई वाइफ इज यूनिक, द लव ऑफ माई फादर इज यूनिक। लेकिन उस स्थिति में जो लव आप एक कॉमन नाउन की तरह, अब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन की तरह यूज करते हो, कॉमन नाउन की तरह, तो लव के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन पापा का प्यार, मम्मी का प्यार, भाई का प्यार, अगर स्पेशल उनके प्यार की बात करते हो तो द लव लग जाएगा, द नेचर हो जाएगा, द साइंस ऑफ इंडिया हो जाएगा, द डेथ ऑफ युधिष्ठिर, द डेथ ऑफ कोई भी फला हो सकता है, तो ऐसे में हो सकता है। लेकिन अगर कॉमन की बात करोगे तो इनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जूलियट वाज मॉर्टल, मॉर्टल वाज नहीं, इज कर दे रहे हैं, इज मॉर्टल।
MORTAL मॉर्टल है ना, यानी कि जूलियट और रोमियो का जो प्रेम है ना वो मॉर्टल है। तो ऐसे में अगर स्पेशल इफेक्ट है तो फिर आप द का प्रयोग या ए का प्रयोग या एन का प्रयोग कर सकते हो। वैसे ए एन का प्रयोग नहीं होगा है ना, द का ही प्रयोग होगा जब होगा। अगर कहीं दिया है तो स्पेशल इफेक्ट में दिया है तो आप द का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, द के प्रयोग में स्पेशल इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा ऐसे जान लो, बॉयज भी सही होता है, द बॉयज भी सही होता है, द बॉयज भी सही होता है। यहाँ बॉयज का मतलब ये पूरे ब्रह्मांड के लड़कों की बात हो रही है, और द बॉयज का मतलब स्पेशल लड़कों की बात हो रही है, जिनको जिनको मैं जानता हूँ, या उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ जो जो झगड़ा किए हैं, या द बॉयज उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो ये दोनों सही है ना, स्पेशल इफेक्ट में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, आप चाहो तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप ट्रिक लगा सकते हो, सुइटेबल ऑप्शन कौन सा है। अब ऑप्शन में देखो, ये चारों ऑप्शन, चूँकि व्हाट काइंड ऑफ बुक डज ही लाइक, किस प्रकार की किताब वो पसंद करता है, तो किस प्रकार की किताब पसंद करता है, इसका जो ऑप्शन होगा आप पॉज करके देख लो, मेरे हिसाब से नन होगा, नन होगा। मिल्टन वाज पोएट एंड राइटर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पोएट के पहले तो ए लगेगा लेकिन राइटर के पहले कुछ नहीं लगेगा, तो मेरे हिसाब से सी सही हो जाएगा। आई हैव, मेरे पास है, क्या है, पिस्टल है, पिस्टल है मेरे पास पिस्टल है, तो मेरे पास एक पिस्टल है, एक पिस्टल है यार, देखो मैंने बोल दिया, आई हैव अ पिस्टल, मेरे पास एक पिस्टल है, ये चलता भी है, चलाएं, चल रहा है, लेकिन इसमें गोली नहीं है, लग रहा है गोली नहीं है क्या, है गोली है तो आई हैव ए पिस्टल, ए पिस्टल होगा, एक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये पिस्टल क्यों ए लगेगा, क्योंकि पिस्टल की चर्चा पहले तो कभी हुई नहीं है, अभी पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो ए लगेगा, और यहाँ पर पिस्टल फिर आ गया ना, तो जब फिर से आ जाएगा तो द लगेगा, द पिस्टल वाज बॉट फॉर 50 रुपीज़। यानी कि एक चीज़ और देखना, बाई के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है जब किसी दाम में, किसी मूल्य में हम खरीदते हैं, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पिस्टल जो है 50 रुपये में ख़रीदा गया था, अब ये द यहाँ प्रयोग होगा, यहाँ ए प्रयोग होगा, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है और ये दूसरी बार आ रहा है, तो द का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ए सही होगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको, व्हाट काइंड ऑफ बुक, देखो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, बिहाफ ऑफ, बिहाफ ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ तो दिया ही है, काइंड ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, आप ऐसे जानो ना कि जहाँ पर ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के बाद अगर कोई नाउन, खास करके कॉमन नाउन यूज किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात खत्म हो गई। मिल्टन वाज, मिल्टन थे, क्या थे, वही कवि थे जिनके बारे में मैं बताया, अरे मैं तो अभी बताया ही नहीं, तो उस मिल्टन, उस कवि की बात नहीं हो रही है, एक कवि की बात हो रही है। तो मिल्टन वाज ए पोएट, एक कवि थे, एंड ए राइटर अगर आप कहोगे तो फिर मिल्टन दूसरे हो जाएंगे और राइटर दूसरे हो जाएंगे। यानी कि जब एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए अगर कोई एडजेक्टिव या कॉमन नाउन एज एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, उनको स्पेसिफाई करता है, तो उस पहले एडजेक्टिव या कॉमन नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग होता है, दूसरे के साथ नहीं होता है। ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे अगर पूछ देता है कि द टीचर, द टीचर एंड द प्रिंसिपल अगर कर देगा,
तो यहाँ द टीचर द प्रिंसिपल दो व्यक्ति हो जाएंगे। अगर यहाँ पर द टीचर देता है और यहाँ पर द नहीं देता केवल प्रिंसिपल देता है, तो इसका मतलब एक ही के पहले पार्टिकल का प्रयोग किया गया है, या आर्टिकल का आप कैसे कहो, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है एक ही नाउन के पहले और इसके बाद नहीं किया गया है, तो ये दोनों व्यक्ति मिलकर के एक होंगे। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर ए पोएट होगा लेकिन इसके पहले राइटर के पहले कुछ नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि मिल्टन की बात की जा रही है और मिल्टन एक ही व्यक्ति है, वही पोएट भी है और वही राइटर भी है। तो जब एक ही व्यक्ति को डिनोट करता हो कोई दो कॉमन नाउन या दो एडजेक्टिव, तो एक ही के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दूसरे के बाद नहीं करते हैं, और वो एक ही होता है। क्लियर हो गया, इसलिए सी सही है। आई हैव अ पिस्टल, मेरे पास एक पिस्टल है, पिस्टल है यानी कि मैंने बताया कि एक पिस्टल है, पहले तो पिस्टल का जिक्र ही नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है तो ए का प्रयोग होगा, और फिर दूसरी बार पिस्टल को बोल रहे हैं। देखो पिस्टल यहाँ गलत है, पी आई एस टी ओ एल है। द पिस्टल वाज बट फॉर 50 रुपीज, वह पिस्टल 50 रुपये में खरीदा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज़ तो कहना मैं भूल ही जाता हूँ कि यार अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि यूनिक है ये, है ना। तो अब देखो, एलिफेंट एलिफेंट वाज टाइड, हाथी बांधी गई थी टू ट्री, पेड़ से विथ चेन, और यहाँ पर आप देखोगे तो डैश है यानी कि ब्लैंक है, वहाँ पर हमको आर्टिकल भरना है। अब देखो अगर आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, मन ही मन वीडियो को पॉज करके देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे हिसाब से यहाँ एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग होना चाहिए, एन, क्योंकि अगर एलिफेंट बोलते हो, एलिफेंट एलिफेंट, तो यहाँ ए आ रहा है और हिंदी का ये वॉवेल्स है, और हिंदी का वॉवेल्स जब आएगा तो एन का ही प्रयोग होगा, और एक ही हाथी की बात हो रही है, दो तीन हाथी की बात नहीं हो रही है। दो तीन हाथी रहती तो यहाँ ऑप्शन में तो 2, 3, 4, 5 रहता है ना, तो यहाँ या तो वही हाथी या तो एक हाथी, तो हाथी को पहले तो बताया नहीं गया है, हाथी का चर्चा कहीं किया नहीं गया, कहीं डिस्क्राइब है नहीं उसका, पहली बार हाथी आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। टाइड टू, अब देखो पेड़ भी पहली बार आ रहा है ना, तो पेड़ भी पहली बार, इसके पहले पेड़ की चर्चा तो हमने किया नहीं, जिसमें हाथी बांधी गई थी वो पेड़ बहुत बड़ा था, तो पेड़वा पीपल का था, तो पेड़ ऐसे था पेड़ वैसे था, पेड़ की चर्चा की नहीं गई है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। और विथ चेन, चेन है ना, तो चेन चेन भी तो पहली बार आ रहा है, तो यहाँ भी ए का प्रयोग होगा। देखो तीनों ऑप्शन में ए है क्या कहीं पर, तो मामला गड़बड़ हो गया, कहीं नहीं है, नहीं है, एन ए ए है ये वाला, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर, भूलना नहीं है, है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट एंड एस डी ओ आर कमिंग हियर, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष और एस डी ओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आर देखो तो कभी कभी लगाओ, आर का मतलब दो लोग हैं, तो जब दो लोग हैं तो ये दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन गलती हो रही है, ये पोस्ट है तो पोस्ट के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग होता है, तो द प्रेसिडेंट और द ये इस्तेमाल रहेगा, द एस डी ओ आर कमिंग हियर। तो आर्टिकल का 10 नियम है ना, आर्टिकल का 10 नियम ऐसे चलता रहेगा, 11 हुआ है और अच्छी जानकारी मिली है। तो अगर वीडियो कितनी बार कहें, एक ही बात नहीं कहेंगे, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ने की तैयारी जारी रखना। जय हिंद।